गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सर. Good morning, everyone. Please switch on your cameras. Prashant, Mahi, Lavi. Yeah, okay, great. Okay, so the attendance is very, very slim. Not an issue, we'll get it started. Good morning, everyone. So we will get it started with the topic 3D geometry. Okay, mere khayal se aap logon ne conic section to already aap kar hi rahe hain Sharma sir ke saath, right? So we'll start with the 3D geometry. It's a very small chapter, so it lays the foundation for a much bigger chapter in class 12, right? So while it is a small chapter, हमें इसको अच्छे से समझना है क्योंकि ये हमारे class 12 में भी बहुत useful होने वाला है, ठीक है? तो आपको 2D geometry already आती है, तो इसलिए इसको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं आने वाली है. This is going to be a fairly easy chapter for us. Okay, let's get started. We are actually, as such, we are just going to understand the 3D coordinate system, as well as we are going to learn two formulae in this, right? So that's all that we are going to do in this chapter. So it's a very, very small little chapter. Okay, so 2D Cartesian system aapko already aata hai, two dimensional, jisme kya hota hai, x एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. लेकिन वो सिस्टम केवल और केवल हमें एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऑल द पॉइंट्स आर ऑन अ सिंगल प्लेन. नाउ व्हेन वी हैव टू शो अ थ्री डायमेंशनल स्पेस, वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ थ्री एक्सिस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है? तो एक्स वाई एक्सिस तो हमारे पास पहले से थे, और अब हमारे को एक और एक्सिस अब उसमें यूज करते हैं, कौन सा? जेड एक्सिस. ओके, नाउ लेट्स लुक एट हाउ दिस सिस्टम इज बिल्ट. ओके, सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ऑल ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ओके, सो दिस एंगल, व्हाइल इट मे नॉट लुक लाइक 90 डिग्री बिकॉज वी आर ड्रॉइंग इट ऑन अ टू डायमेंशनल प्लेन, बट एक्चुअली द एक्स एक्सिस इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, straight out of the paper. And then, you know, if you put your pen on this and keep it straight up, that's where the x-axis is. Okay, so you hold your pen on this point here at the origin and keep it vertically up, you will see that that is actually the x-axis. This is only a way of drawing it. Okay, so this angle is 90 degree. Similarly, this is clearly 90 degree. We can even see it as 90 degree. And this angle between Z and X is also 90 degree. Okay. So this presents a small problem visually, क्योंकि जो angle 90 degree होता है, वो हमें actually 90 degree दिखाई नहीं दे रहा होता है. तो we have to slightly get used to that thing. ठीक है? अब दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि ये तीन axes हैं हमारे पास, और सब 90 डिग्री पे हैं, लेकिन कौन सा एक्सिस एक्स है, कौन सा वाई है, कौन सा जेड है, वो हम कोई भी आर्बिट्रेरली किसी को भी चूज कर सकते हैं. अगर मैं इसको एक्स एक्सिस चूज करता, तो ये हो जाता मेरा वाई एक्सिस और ये हो जाता मेरा जेड एक्सिस, ठीक है? लेकिन क्या मैं इसको वाई और इसको एक्स चूज कर सकता हूं? See, हम अगर टू डायमेंशनल में भी हमेशा ड्रॉ करते थे, तो
इस डायरेक्शन में जो राइट में जाता था उसको एक्स लेते थे और जो ये ऊपर जाता था उसे वाई लेते थे। हम नीचे जाने वाले को तो वाई नहीं ले सकते थे, राइट? उसी तरीके से यहां पे भी जो इनकी रिलेटिव पोजीशन है वो हमेशा फिक्स्ड होती है, ठीक है ना। वो किस तरह से फिक्स होती है कि एक्स से अगर मैं वाई की तरफ जाऊं तो वो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं एक्स से वाई में जाता हूं वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, उसी तरह से वाई से जेड पे जाऊं तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए और जेड से एक्स पे आऊं तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ओके। और इस चीज को हम चेक करने के लिए एक चीज यूज कर सकते हैं जो हमें पहले से आती है, जो हम क्लास 10th में भी यूज कर चुके हैं। वो क्या चीज है? द राइट हैंड रूल। एनीबडी रिमेंबर्स द राइट हैंड रूल? कैन समबडी टेल मी व्हाट द राइट हैंड रूल इज, जो हमने क्लास 10th में मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा है? वो राइट हैंड रूल क्या होता है? उसको राइट हैंड रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू भी बोलते हैं। एनीबडी रिमेंबर्स? राइट हैंड थंब रूल, यू कैन कॉल इट द राइट हैंड थंब रूल आल्सो। और सर अगर हमारा जो मतलब क्या है थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी करंट की डायरेक्शन में, तो जो हमारी इनक्लोज फील्ड है मतलब इनक्लोज फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ओके। तो हम उसी को यूज करेंगे यहाँ पर। कैसे यूज करेंगे? कि वी होल्ड आर थंब इन सम पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट? लाइक जेड की अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे तो एक्स से वाई हम हमेशा फिंगर्स के कर्ल में जाएंगे। उसी तरीके से अगर एक्स पे रखेंगे अपना थंब तो वाई से जेड में हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल ऑफ द फिंगर्स। उल्टा नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो ये इन जनरल हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे इसको कि वाई और जेड ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड द एक्स एक्सिस इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर। कभी कभी हम एक और ड्राइंग काफी कॉमनली यूज होती है, वो क्या है कि ये एक्स है और ये वाई है, बिकॉज वी आर यूज टू दिस इन द टू डायमेंशनल, ओके। और अगर हम ऐसे करेंगे कि ये एक्स है और ये वाई है तो जेड कौन सा होगा? लेट्स कर्ल आर फिंगर्स फ्रॉम एक्स टू वाई, देन द जेड इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, ओके। तो ये दो ड्रॉइंग्स हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे इसमें, सबसे इस वाले चैप्टर में वैसे हम सबसे ज्यादा यही यूज करेंगे। सो गेट स्लाइटली यूज टू ड्रॉइंग इट दिस वे, ओके, विच इज वाई एंड जेड ऑन द प्लेन एंड एक्स कमिंग आउट, ओके। ओके, ऑल्दो जब हम निशु एंड प्रिया, So, जब हम टू डायमेंशनल में हमेशा एक्सिस इस तरह ड्रॉ करते थे जिसमें ये नेगेटिव डायरेक्शन होती थी और ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती थी, सिमिलरली ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन होती थी और ऊपर पॉजिटिव होती थी, यहाँ पे हमने नेगेटिव साइड को शो नहीं किया है क्योंकि उससे ड्रॉइंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बट इट डजंट मीन दे आर नॉट देयर, राइट? सो वी कुड हैव शोन दीज, राइट? तो यहाँ पे y एक्सिस का नेगेटिव जा रहा है नीचे की तरफ z एक्सिस का और इनटू द पेपर जा रहा है x एक्सिस का, ओके। बट यूजुअली वी डू नॉट शो दीज इन आवर ड्राइंग्स, जस्ट टू कीप आवर ड्राइंग्स सिंपल, ओके। नाउ ओरिजिन ऑब्वियसली इज द पॉइंट हियर, ओके, दैट गोज विदाउट सेइंग, ओके। नाउ वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट प्लेन्स हियर, right? Like we know coordinate axes, what are the coordinate planes, okay? So the plane that contains the x-axis and the y-axis, okay, xy plane contains
x-axis and y-axis, ठीक है ना. उसी तरह से yz प्लेन क्या है, द प्लेन दैट कंटेन्स द y-axis एंड द z-axis एंड सो ऑन, राइट. सो दीज आर द थ्री प्लेन्स दैट आर अवेलेबल टू अस. सो लेट्स लुक इन टू द ड्रॉइंग हेयर, राइट. सो दिस इज y एक्सिस एंड द z एक्सिस एंड आउट ऑफ द पेपर इज x एक्सिस. सो टेल मी व्हाट इज द प्लेन विच इज द प्लेन ऑफ द पेपर. What will be the plane of the paper called? Paper means the screen, your mobile screen, right? वो कौन सा plane है इस drawing के हिसाब से? कौन सा plane है जो paper पे है? कौन से axis contained है paper में? देखिए x axis तो paper में into जा रहा है, paper के ऊपर नहीं है, राइट. तो पेपर पे कौन से एक्सिस हैं? ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पेपर का पर बने हुए हैं, तो इसका मतलब प्लेन ऑफ पेपर कौन सा हो गया? वाई जेड प्लेन. जो वाई जेड प्लेन है यहां पे, ये प्लेन ऑफ पेपर है इन दिस ड्राइंग, राइट. अब ये बताइए कि अगर मैंने ड्राइंग बाय चांस इस तरह से की होती तो प्लेन ऑफ पेपर कौन सा प्लेन है? समबडी, प्लेन ऑफ पेपर इस ड्राइंग में, इस वाली ड्राइंग में प्लेन ऑफ पेपर कौन सा प्लेन है? Okay, looks like nobody is able to answer. अच्छा, just answer the concept कि ये जो coordinate plane का concept किसी को समझ आया है, चाहे partially समझ आया हो. This is an important concept, so we have to understand this. Is there somebody in the class who has even partially understood what is the meaning of coordinate planes? Achha, okay, let's go back. Do you understand what are coordinate axes? Axes to samajh aata hi hai na, x, y or z. Yes, wo clear hai. To ab dekhiye, yes, plane kya hai. इनमें से कभी भी कोई ऐसा plane नहीं हो सकता जिसमें तीनों axes एक साथ आ जाए, right? तीनों एक्सिस एक प्लेन पे तो आ नहीं सकते क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं. तो अगर इसको एक प्लेन में डालेंगे तो जेड प्लेन पे नहीं होगा उस पे, राइट. अगर मैं एक्स और जेड को एक प्लेन में डालूंगा तो वाई नहीं होगा प्लेन में, राइट. तो इसका मतलब ये है कि वो प्लेन्स जिनमें दो एक्सिस हैं, जैसे एक्स वाई प्लेन में ये भी एक्सिस है और ये भी एक्सिस है, तो जेड एक्सिस नहीं होगा, वो वाले प्लेन को मैं बोलूंगा एक्स वाई प्लेन, ओके. और इसी ऑर्डर में बोलते, एक्स वाई बोलेंगे तो बाय एक्स प्लेन नहीं बोलते, एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, वाई जेड प्लेन बोलेंगे, या फिर जेड द एक्स जेड प्लेन बोल, सॉरी जेड एक्स प्लेन बोलेंगे, ओके. ये गलत लिखा है, जेड एक्स प्लेन बोल, ओके. तो इसी ऑर्डर में बोलेंगे प्लेन्स को. तो अब ये प्लेन जिसमें, अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन की, तो वो ये प्लेन है यानी जिस पे पेपर है. सिमिलरली जो एक्स वाई प्लेन तो ये हो गया, जेड एक्स प्लेन कौन सा है? जेड एक्स प्लेन ये है, यू नो इट इज परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड इट्स aligned to the x-axis like this. So it's like a, you know, you put your hand over the, or a book over the x-axis and make it vertical. तो वो जो plane है वो xz plane हो, zx plane हो गया. Okay. Similarly, अगर मुझे yz plane देखना है, put a
piece of paper or your hand on the y-axis vertical. Okay, तो वो हमारा yz plane हो जाएगा. Understood now? Understood? Anyone who has doubt? Sorry to disturb you. One thing, sir. Sir, two students जो हैं Priya and Nishu, they have shown PCB. That means I think bio. Yes, ma'am. तो आप maths के नहीं हो बेटा? सर आप मैथ्स ले रहे हैं ना? यस यस यस. तो बेटा आप अगर मैथ्स के नहीं हो तो फिर क्लास तो सर बताइए. प्रिया राणा पीसीबी और निशु कसाना पीसीबी मेंशन है सर. तो देखिए ये चीज नोटिस कर रही थी कि जो बी के बच्चे हैं वो भी थे इसमें. यस मैम. मैम जो बायो के बच्चे थे वो भी थे. मैथ्स की क्लास चल रही है उसमें मेंशन भी है जब भी. हाँ तो वही इसीलिए मैं भी मतलब थोड़ा देर वेट करने के बाद ही मैंने सोचा कि ये बच्चे खुद जाते हैं या फिर देखें तो पता तो होना चाहिए ना बेटा. सॉरी बेटा अभी तो क्लास अटेंड कर लीजिए. सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए. नो 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 एक्चुअली देन लेट्स एक्चुअली दैट्स सो इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस. तो ये जो ग्रुप है हमारे पास स्टूडेंट ग्रुप वो तो एक ही है 11th में राइट. यस सर. तो ये मतलब बिकॉज इट शुडंट हैपन आई एम पोस्टिंग इन अ ग्रुप व्हिच इज गोइंग टू सो ऑल द पीसीबी एंड पीसीएम पोस्ट गो इन द सेम ग्रुप. साइंस साइंस ओनली सेक्शन ए इज फॉर साइंस दैट कंटेन बोथ पीसीएम मैथ्स एंड पीसीबी बायो सर. या बट द ग्रुप दैट इज फॉर पोस्टिंग द डेट्स that group is the same right. Yes sir. Like in 12th we have separate groups for A and B. Here we don't have separate groups right. It, even in 12th is same sir. Matlab kuch bacche bio ke hain kuch bacche maths ke hain to they know ki kahan attend karna hai kab attend karna hai. Okay yeah so now ये प्लेन्स का कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट प्लेन्स का कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा आपको? ओके वंडरफुल. नाउ लेट्स कम टू हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट पी इन द स्पेस. ओके सो पॉइंट पी जैसे कि हम एक प्लेन में पॉइंट पी को एक्स वाई कोऑर्डिनेट से शो करते हैं. पॉइंट पी को हम ऑर्डर ट्रिपलेट से शो करेंगे ऑर्डर पेयर की जगह. ओके सो इट विल ऑलवेज बी द एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा द वाई कोऑर्डिनेट कॉमा द जेड कोऑर्डिनेट. ठीक है हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में यूजली इसको एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट बोलते थे राइट. नाउ दोज नेम्स आर यूजली नॉट यूज इन द थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. ओके थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम सिंपली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ही बोलते हैं. ठीक है और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एंड द जेड कोऑर्डिनेट. सो लाइफ इज अ लिटिल सिंपलर फॉर यू एज फार एज नेमिंग गोज. सो नाउ व्हाट इज एक्स. अगर मैं एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड हैं तो व्हाट डज एक्स रिप्रेजेंट. Okay, so X, we can say that X is actually the reading on this axis, the X axis. Okay, उस पे जो reading आती है. लेकिन that's like not a very unambiguous way of explaining. तो क्या चीज है जो X coordinate है? Okay, so before we answer that, the question I'll ask is in the two dimensional geometry, let's say I have a point P1, jiske coordinates x1, y1 hai. So what is x1 there? What does x1 show? Bataiye, what does x1 show if in a two dimensional geometry, a point has coordinate x1 comma y1. तो x1 का क्या मतलब होता है? What is the significance of x1 and what is the significance of y1?
ये तो टेंथ का क्वेश्चन है। रजनीश वीडियो ऑन करो बेटा, रजनीश वीडियो ऑन करो। मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस। हाँ नहीं देखिए, x वन का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है ना। x वन इज द रीडिंग ऑन द x एक्सिस, राइट। मतलब इसको हम क्या बोलते थे, एप्सिसा बोलते हैं टू डायमेंशनल में। तो देखिए अगर ये टू डायमेंशनल है, यहाँ पे एक पॉइंट है x वन कॉमा वाई वन, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो रीडिंग है यहाँ पे ये x वन है, यही मतलब होता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये इसका डिस्टेंस है y एक्सिस से, ओके। तो x1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस एंड y1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, ओके। तो यानी एप्सिसा इज द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस एंड ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। तो जो ये है वो उससे ऑपोजिट से डिस्टेंस होता है, राइट। इस चीज में शुरू शुरू में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो अब उसी तरीके से लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये थ्री डायमेंशनल में क्या हो रहा है। थ्री डायमेंशनल में x एक्सिस क्या है, x ऑर्डिनेट क्या है, ये x कोऑर्डिनेट क्या शो करता है हमको, ये शो करता है नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और द डिस्टेंस फ्रॉम द z एक्सिस, दोनों ही आंसर नहीं है यहाँ पे। ये हमें शो करता है डिस्टेंस फ्रॉम द y z प्लेन, ठीक है। यहाँ इस डायग्राम में देख के समझने की कोशिश करिए, थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स में नॉट बी वेरी इंट्यूटिव। तो ये जो है एक्स वाई जेड, ये एक्स रीडिंग है ये वाली, राइट। रीडिंग वही है, मीनिंग वही है, लेकिन विजुअलाइज करके देखिए तो ये इसका डिस्टेंस है इस वाले प्लेन से, वाई जेड प्लेन से ये डिस्टेंस है, ओके। और इसी चीज को अच्छे से समझने के लिए देखिए, ये पॉइंट है, मैंने डिस्टेंसेस शो कर दिए हैं इसके। आप क्या करिए कि इसको ना कंप्लीट कर लीजिए, क्यूबॉइड बना लीजिए, ओके। दिस इज द क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड बन गया ना, अब आपको इजिली विजुअलाइज होगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट P है, तो X पे रीडिंग दिस इज सेम, दिस लेंथ इज सेम, ऑल दीज लेंथ्स आर सेम, राइट। दीज आर ऑल द एजेस ऑफ द क्यूबॉइड। नाउ नाउ यू कैन सी कि ये जो डिस्टेंस है ये सेम है, ये जो रीडिंग है यहाँ पे, लेकिन ये डिस्टेंस इसका इस वाले प्लेन से है। तो अब बहुत इजी हो गया हमारे लिए बोलना कि x इज द डिस्टेंस फ्रॉम y z प्लेन, y इज द डिस्टेंस फ्रॉम z x प्लेन एंड z इज द डिस्टेंस फ्रॉम y x प्लेन, ठीक है। तो अगर आपको एकदम एकदम एक सिंपल एक मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि देयर इज अ पॉइंट व्हिच इज 2, 4, 5, दिस इज अ पॉइंट, how far is this point from xy plane, आपको डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट का xy प्लेन से। सो वॉट इज दैट डिस्टेंस, बोलिए। टू फोर फाइव इज अ पॉइंट, इसका डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से क्या है। देखिए आंसर गलत है तो कोई इश्यू नहीं है मुझे, आप कोशिश करके आंसर दीजिए बस।
गलत होगा तो आई विल एक्सप्लेन. देखिए ये कौन सा है, ये लिख लीजिए एक्स है, ये वाई है, ये जेड है. मैंने कौन सा प्लेन बोला है, एक्स वाई प्लेन, राइट. इससे डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं तो एक्स वाई प्लेन से एक्स है इसमें वाई है, क्या मिसिंग है, जेड. तो ये डिस्टेंस जेड एक्सिस से है. देखिए एक्स का डिस्टेंस किससे है, वाई जेड से है, वाई का एक्स जेड एक्स से है, जेड का एक्स वाई से, यानी जो मिसिंग है उससे डिस्टेंस होता है, ठीक है ना. तो यानी जेड का जो रीडिंग है, जेड का रीडिंग क्या है, फाइव. सो दिस पॉइंट इज फाइव यूनिट्स अवे फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन, ठीक है, अंडरस्टूड. अच्छा अब मुझे ये बताइए कि कोई एक पॉइंट है जिसके डिस्टेंसेस मैं आपको बता रहा हूं, यू हैव टू टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. एक्स वाई प्लेन से इट इज टू यूनिट्स अवे, वाई जेड प्लेन से इट इज सेवन यूनिट्स अवे, और जेड एक्स प्लेन से इट इज थ्री यूनिट्स अवे. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. कोशिश करिए थोड़ी, देखिए एक्स वाई में क्या मिसिंग है, सेवन कॉमा थ्री कॉमा टू. वेरी गुड. तो इसमें क्या मिसिंग है, एक्स मिसिंग है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया. इसमें इस प्लेन से डिस्टेंस तीन है, तो किसका डिस्टेंस है, ये वाई का है. और इसमें जेड मिसिंग है, तो इसका डिस्टेंस जेड है, ये है. तो हमेशा लिखते किस ऑर्डर में, हमेशा एक्स वाई जेड ऑर्डर में लिखेंगे. हम ड्रॉ कैसे भी करें, लिखना हमेशा एक्स वाई जेड ऑर्डर में है. तो द इट्स अ ऑर्डर्ड पेयर, सो ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज्ड, ऑर्डर ट्रिपलेट सॉरी, तो ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज. इट इज सेवन थ्री टू, ठीक है. तो फ्रॉम अ गिवन पॉइंट वी कैन टेल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, वी कैन ऑल्सो फ्रॉम द डिस्टेंसेस वी कैन टेल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेन, राइट. लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली आपको डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस नहीं बता पा रहे हैं, राइट. टू डायमेंशनल में क्या होता था, हम डायरेक्टली डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस बताते थे. यहाँ पे हम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन बता पा रहे हैं. डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस बताने के लिए तो कुछ कैलकुलेशन लगेगी, वो अभी हमें नहीं करने की जरूरत है, लेकिन इतना हमें समझ लेना चाहिए. ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, इससे हमें अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ आता है, ठीक है ना. क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, लेट्स क्विकली रिवाइज. देयर आर थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई जेड. They are all perpendicular to each other. They are always in the same relative position. Okay, that y is in the anti-clockwise direction from x, and then z is in the anti-clockwise direction from y, and x is in anti-clockwise direction from z. Okay, जो हमने right hand thumb rule या right hand rule से check भी करके देखा. Then the point is represented as a ordered triplet, x comma y comma z, and we also understood that there are three coordinate planes, or unka us point se kya distance hota hai, that also we understood, right? These are all basic concepts. We cannot afford to forget these. Ya fir isme we cannot easily live with the doubt. Kyunki fir jo questions aate hain. देखिए बहुत सारी चीजें आप फॉर्मूले से कर तो लेंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन में होता है कि इसका डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से है, देन सॉल्व समथिंग, एंड देन स्टूडेंट गेट्स अ बिट लॉस्ट इफ दिस फंडामेंटल्स आर नॉट क्लियर. लेट्स मूव.
ना देखिए, टू डायमेंशनल में हम क्या करते थे कि अपने एक्सिस को जब ड्रॉ करते थे वो तीन चार क्वाड्रेंट्स में उसको डिवाइड कर देता था एक प्लेन को, राइट? क्वाड्रेंट क्या थे? एरियाज थे. दीज वर एरियाज, राइट? दीज वर एरियाज. इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? ये जो नाम होते हैं क्वाड्रेंट्स के, ये यूनिवर्सल नाम है. इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि एक बुक में कुछ और दिया, एक में कुछ और दिया, इसलिए ये हमें पता होने चाहिए. क्वेश्चन आ सकता है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, जैसा कि आपने 9th-10th में किया है, राइट? तो अब थ्री डायमेंशनल में हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्पेस की, थ्री डायमेंशनल स्पेस की. तो यहां पर हम एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन्स की बात कर रहे हैं. तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो हैं, कौन से हैं? एक बार फिर से लिखते हैं. कोऑर्डिनेट प्लेन है हमारे एक्स वाई प्लेन, वी हैव वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन. ये जो तीन प्लेन्स हैं, ये हमारे स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में, ओके? द वर्ड यू नो ऑक्ट कम्स फ्रॉम 8, सो जैसे क्वाड इज 4, ओके? तो यहाँ पे ऑक्टेंट है उसका नाम, 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. नाउ व्हाट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेंट एंड ऑक्टेंट? द बिग डिफरेंस इज क्वाड्रेंट is a plane or an area, right? It's a plane. But octant, on the other hand, is a volume or space, we can say. It's a space, it's not an area. So 8 volumes may divide kar dete, 8 spaces may divide kar dete. ठीक है. अब वो स्पेसेस का नेमिंग किस तरीके से है, उसमें क्या साइन कन्वेंशन होते हैं, उसको समझने की कोशिश करिए. देखिए, यहाँ पे हमने अपने एक्सिस बनाए हैं, यहाँ पे हमारे एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस. ठीक है, तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, जो पहले चार क्वाड्रेंट है, वो कौन से हैं जिसमें z एक्सिस पॉजिटिव है? ये जो हमने तीसरा एक्सिस जोड़ दिया है लाकर, वो उसमें पॉजिटिव है. और जो बाद के तीन हैं, देखिए ये जो फर्स्ट थ्री हैं, इनमें z एक्सिस कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है, और बाद के जो ये चार हैं, शुरू के चार में z एक्सिस पॉजिटिव और आखिरी के चार में, यानी 5th-8th जो है, z एक्सिस नेगेटिव है, ओके? और विद इन द पॉजिटिव्स, अब हमने z एक्सिस का तो समझ लिया कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है. अब रही बात x और y की, तो x और y वही पैटर्न फॉलो करते हैं जो टू डायमेंशनल में फॉलो करते हैं, ओके? तो किस तरीके से हो रहा है कि देखिए, ये हमारा पॉजिटिव z एक्सिस है, यहाँ पे x y दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हमारा जो ये वाला जो वॉल्यूम है, ये क्यूब, देखिए ये वाला क्यूब, ओके? ये हमारा बन गया फर्स्ट ऑक्टेंट. फिर हम जाएंगे नेगेटिव y एक्सिस में. कैसे जाते थे? यहां से नेगेटिव x एक्सिस में, जो x है वो नेगेटिव हो गया, लेकिन y जो है अभी भी पॉजिटिव है, तो वो हम यहां से यहां चले गए. तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड ऑक्टेंट. फिर हम गए जहां पे दोनों नेगेटिव हो गए x और y, ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड ऑक्टेंट. और फिर हम फोर्थ में आ गए जहां पर x जो y है, सॉरी, जब हम इधर आ गए तो क्या हो गया फाइनली हमारा फोर्थ में? x पॉजिटिव हो गया वापस और y नेगेटिव है,
ओके नाउ सो यू कैन रेफर टू द टेबल हियर. तो ये वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हमारा पहले था. अब आगे देखिए फिर वही रिपीट हो रहा है, एग्जैक्टली सेम है ये, और जेड नेगेटिव है. ठीक है, तो ये शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, बट वी विल डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, इट विल बिकम अ लॉट मोर क्लियर. ओके, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट. ठीक है, यहां पे है एक पॉइंट, इसके वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और जेड कोऑर्डिनेट्स क्या है बताइए. वो एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट, यहां पे है, तो उसके वाई कोऑर्डिनेट्स और जेड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. देखिए ये एक्स वाई प्लेन पे है, अगर एक्स पे है इजंट इट, एक्स एक्सिस पे है तो एक्स वाई प्लेन में भी होगा, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो गया. देखिए इसका डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन पे से जीरो हो गया, एक्स वाई से तो डिस्टेंस जीरो हो गया इसका, और किससे, जेड एक्स से भी जीरो हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस पे है. इसका मतलब ये क्या है, ये जेड एक्स जेड कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो जेड और वाई कोऑर्डिनेट दोनों जो है वो जीरो है. A point is on the xy plane. What can you say about it? Y coordinate. xz plane पे है point कहीं पे. xz plane है ये वाला plane. इस पे point है, यहाँ पे है मान लीजिए. xz plane पे है तो y coordinate क्या होगा? y coordinate होता है distance from xz. और xz के ऊपर ही पॉइंट है, यानी कि xz से डिस्टेंस जीरो है, तो y कोऑर्डिनेट जीरो है. ठीक है, थोड़ा सा आपको ये चीज ना बैठ के सोचनी पड़ेगी, दिमाग में विजुलाइज करनी पड़ेगी, देन यू विल बी एबल टू डू इट. अदरवाइज दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर. ओके, नाउ लेट्स कम्स टू द ऑक्टेंट क्वेश्चन. ओके, विच ऑक्टेंट आर दीज? ऑल ऑफ दीज आर पॉजिटिव, राइट? ऑल पॉजिटिव तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कौन सा होना चाहिए? ऑब्वियसली ऑल पॉजिटिव इज द फर्स्ट ऑक्टेंट, ऑल पॉजिटिव तो फर्स्ट ही होगा. अब ये देखिए ये कौन सा ऑक्टेंट है. अब ये है तो फर्स्ट फोर में से कोई, क्योंकि Z पॉजिटिव है, राइट? जेड पॉजिटिव है तो फर्स्ट फोर में से है, तो हम किस तरह से जाते हैं? सबसे पहले एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है. ये कब होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है बोलिए, टू डायमेंशनल के हिसाब से. एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता था ना. देखिए एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता था. अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और ये फर्स्ट फोर में से ही है क्योंकि जेड पॉजिटिव है. दैट इज द इजिएस्ट वे ऑफ डूइंग दीज क्वेश्चंस. ओके, सो ये कौन सा हो गया, ये फोर्थ ही क्वाड्रेंट है सिंपली. ओके, सो लेट्स फर्स्ट डू ऑल द क्वेश्चंस विद जेड एज पॉजिटिव, because those will be easy. Now Z is positive here. So what quadrant is this? Octant is this. Jo quadrant ka number hai. Quadrant kya hai? X is negative.